Hello students, how you all doing? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Kabuliwala, the vendor from Kabul. So let's start the chapter. People of all countries and culture have certain feelings in common. A father feels the same way about his daughter whether he is from Bengal or Kabul. In this story, we find the assertion of faith in the universal character of humanity. Probably it is one of the most famous and well-known story. बच्चों चाहे आप कहीं भी रहो लेकिन आपकी क्या होती है, आपकी जो फीलिंग्स होती है वो सबकी सेम ही होती है, ठीक है। चाहे आप डिफरेंट कंट्री से हो, डिफरेंट स्टेट से हो, आपकी फीलिंग्स तो सेम ही रहती है। अब जैसे कि बताया जाता है एक फादर का और उसकी बेटी के साथ जो उसका रिश्ता होता है वो क्या होता है, सेम ही रहता है। उनकी फीलिंग्स क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे वो फादर बंगाल से हो या फिर काबुल से हो, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में जो हम आगे पढ़ेंगे। माय डॉटर मिनी हु इज 5 years old कैन नॉट लीव विदाउट चैटरिंग। शी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन ऑल हर लाइफ इन साइलेंस। हर मदर गेट्स वेक्स्ड एट दिस एंड वुड स्टॉप हर फ्रॉम प्रैटल बट आई वुड नॉट। आई कैन नेवर बेयर टू सी हर क्वाइट, इट सीम्स अननेचुरल एंड सो माई ओन टॉक विद हर इज ऑलवेज लाइवली। ठीक है, एक फादर है वो अपनी डॉटर के बारे में बता रहा है कि मेरी डॉटर का नाम मिनी है और वो 5 साल की है और वो इतना चटर चटर करती है, मतलब इतना बोलती है कि कभी कभी मेरी जो बीवी है उससे क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अनाउड हो जाती है और उसको क्या बोलती है, चुप रहने को बोलती है। लेकिन मैं उसे कभी भी चुप रहने को नहीं बोलता क्योंकि मुझे उसका चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि वो बोलती रहे, हमेशा मुझसे बात करती रहे, ठीक है। One morning when I was writing the 17th chapter of my new novel, she came in and putting her hand into mine asked many questions. Father, our gatekeeper is stupid. He calls a kak, Bengali crow, a kawa, हिंदी इक्विवेलेंट। अब एक दिन मॉर्निंग में वो बैठा हुआ था, अपना जो नॉवल था उसका चैप्टर फिनिश कर रहा था, तो उनकी बेटी जो मिनी थी वो उनके पास आई और बोलती है कि पापा पापा जो हमारा जो गेट कीपर है ना वो काक को कौवा बुलाता है, बताओ ये भी कोई बात हुई। व्हाट डू यू थिंक फादर, बोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक एंड दैट इज व्हाई इट रेन्स। फादर व्हाट इज मदर टू यू। बिफोर आई कुड आंसर एनी ऑफ दीज She was sitting at my feet and drumming her knees. ठीक है, अब अपने पापा से क्वेश्चन पूछती रहती है, वो बोलती रहती क्वेश्चन पूछती रहती है, पापा आपको क्या लगता है क्या होता होगा। भोला जो है वो कहता है कि जो एक बड़ा सा एलिफेंट है क्लाउड्स के ऊपर रहता है और वो क्या करता है, वो अपने ट्रंक से पानी गिराता है और फिर क्या होती है, रेन होती है। तो कहती है क्या आपको ये सही लगता है। फिर वो कहता है मैं इस बात का अगर जवाब देना चाहता तो फिर उससे पहले वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रही थी कि पापा आपके लिए माँ क्या है, और इसका भी जब मैं जवाब देना चाहता तो वो धीरे धीरे अपने तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछती और पूछते पूछते अपने नीज को क्या करती, ड्रम की तरह बजाती। आई वॉज इन द मिडल ऑफ द 17th चैप्टर व्हेन शी सडनली रैन टू द विंडो एंड शाउटेड अ काबुलीवाला अ काबुलीवाला। शी स्टार्टेड टू कॉल हिम लाउडली। ही वॉज इन द स्ट्रीट वेयरिंग लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग ऑफ हिज पीपल एंड अ टॉल टर्बन विद अ बिग बैग ऑन हिज बैक एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड। ठीक है, अब वो जैसे ही अपना नॉवल फिनिश कर रहा होता है तो उसकी बेटी खिड़की की तरफ भाग के जाती है और देखती है वहाँ पे एक आदमी आ रहा होता है और वो जोर से आवाज़ लगाती है ए काबुली वाला, उसको अपनी तरफ वो क्या कर रही होती है, बुला रही होती है। अब वो देखता है कि हाँ वो आदमी है, उस आदमी के कैसे कपड़े हैं, उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, उसके पास एक झोला है और उसके हाथ में क्या है, कुछ ग्रेप्स के बॉक्सेस हैं। आई थॉट दैट ही वुड कम इन एंड आई वुड नॉट बी एबल टू फिनिश द 17th चैप्टर। He looked up and saw Minnie. She fled to her mother's protection and disappeared. She had a blind belief that inside the bag which the big man carried were perhaps 2 or 3 children like herself. The peddler entered my doorway and smiled. I bought a few things and we talked about Abdur Rahman, the Russians, the English and the frontier policy.
अब उसे लगता है कि भाई ये आदमी आएगा तो मैं अपना नॉवल जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई ये तो बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी जो है उस आदमी को देख के फटाफट से अपनी मम्मी के पास जाकर छुप जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, उस छोटी सी बच्ची को ऐसा लगता है कि उस आदमी के जो झोले में है ना वो क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो छुप जाती है कि कहीं वो मुझे लेने तो नहीं आया। फिर वो आदमी उनके डोर पर आके रुक जाता है क्योंकि वो तो भाई अपने कुछ सामान बेचने आया होता है, तो वहाँ पे वो रुक जाता है। फिर वो आदमी बताता है, जो नॉवल लिख रहा होता है, बताता है कि मैं उससे क्या करता हूँ, कुछ संभाल रहता हूँ, फिर उससे क्या करता हूँ, कुछ बातें इधर उधर की करता हूँ। बिफोर लिविंग द सेड, बाबू वेर इज दैट खोंकी लिटिल गर्ल, आई न्यू दैट ही हैड टू गेट डॉटर गेट ओवर हर फियर ऑफ काबुली वालाज एंड देयर फोर ही कॉल्ड आउट टू हर। अब वो जैसे जाने वाला होता है ना, वो बोलता है भाई वो खूंकी, वो लड़की, छोटी लड़की कहाँ है जिसने मुझे आवाज़ दी थी। अब वो चाहता था, उसका फादर चाहता था भाई मेरी बेटी को इसका डर खत्म हो, तो उसको क्या करते हैं, वो उसको बाहर बुलाते हैं, किसको, मिनी को। मिनी डिड कम आउट बट शी क्लंग ऑन टू मी रिफ्यूजिंग टू कम एनी क्लोजर टू द काबुली वाला। ही ऑफर्ड हर सम नट्स एंड रेजन्स बट हंग बैक। दैट वॉज हाउ देयर फर्स्ट मीटिंग वेंट। ठीक है, अब मिनी आती तो है लेकिन वो क्या होती है, वो बताता है कि वो मेरे से थोड़ा सा चिपक के खड़ी होती है, वो उस आदमी के पास, काबुली वाले के पास नहीं जाती। फिर काबुली वाला अपनी झोली से कुछ बादाम, कुछ किशमिश निकालता है और वो उसको थमा देता है, ठीक है। लेकिन वो भी क्या करती है, वो दूर से लेती है और फिर वो काबुली वाला वहाँ से चला जाता है। वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज लेटर आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी मिनी सिटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला सिटिंग एट हर फीट। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजन्स। शी हैड नेवर फाउंड अ पेशेंट लिसनर लाइक हिम सेव हर फादर। आई गेव हिम एन एट एना कॉइन एंड सेड व्हाई डिड यू गिव हर दोज। ही एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर एंड पुट इट इन हिज पॉकेट। When I returned an hour later, Minnie's mother was upset that she had accepted an 8 anna coin from the Kabuliwala. She said, "Oh Minnie, how could you take it from him? I saved Minnie from an impending disaster and made a few inquiries." अब एक सुबह क्या होता है, वो मिनी जो होती है उसके हंसने की आवाज़ आती है, तो उसके फादर जाके देखते हैं भाई मेरी बेटी किसके साथ बातें कर रही है, किसके साथ हंस रही है। तो जाके देखते हैं, बहुत जाके जब वो देखते हैं वो नज़ारा, तो वो बहुत शॉक्ड होते हैं क्योंकि कल तक वो जिस काबुली वाले से डर रही थी, आज वो उसी काबुली वाले के साथ बैठ के बातें कर रही है और हंस खेल रही है। तो वो बहुत हैरान होते हैं, ठीक है। अब वो देखता है कि उसके पास में उसने क्या रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मतलब उस काबुली वाले ने मिनी को क्या दिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, ठीक है। अब उसके फादर जो होते हैं वो अपनी जेब से 8 आना निकालते हैं और कहते हैं भाई लो इसके पैसे, आप पकड़ लो जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स मेरी बेटी को दिए हैं। वो पकड़ लेता है और उसको अपनी कहाँ रखता है, जेब में रख लेता है, ठीक है। अब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं, उनको कुछ काम होता है तो वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ होती है वो मिनी को डांट रही होती है कि भाई तुमने उससे पैसे क्यों लिए। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि जो 8 आने उन्होंने दिए थे उस काबुली वाले को, उस काबुली वाले ने क्या किया, उसने वो पैसे वापस मिनी को दे दिए। तो इस वजह से उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है कि भाई तुमने उससे पैसे क्यों पकड़े। तो किसी न किसी तरह से अपनी बेटी को उनसे, अपनी वाइफ से बचाता है और फिर उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। नाउ मिनी एंड काबुली वाला बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय अ जुडिशियस ब्राइब ऑफ नट्स एंड आलमंड्स। दे वुड ऑफन शेयर क्वेंट जोक्स। ठीक है, अब ये बताते हैं आगे कि मिनी और काबुली वाला क्या बन गए थे, एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। ठीक है, वो क्या करता था, मिनी के लिए वो क्या लाता था, वो कुछ नट्स लाता था, किशमिश लाता था, काजू बादाम लाता था और मिनी जो थी उससे क्या होती थी, बहुत खुश होती थी। दोनों आपस में क्या करते थे, बात करते थे और जोक्स भी शेयर करते थे। मिनी वुड आस्क हर न्यू फाउंड फ्रेंड काबुली वाला, व्हाट डू यू हैव इन योर सैक। द काबुली वाला वुड एड अ नेजल ट्वैंग टू हिज वॉइस एंड रिप्लाई, हाथी एंड एलिफेंट खूंकी। अगेन द काबुली वाला वुड ऑफन आस्क, वेल लिटिल वन एंड वेन यू आर गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। ठीक है, अब क्यूरियस होकर जो लड़की होती है, मिनी होती है, वो उससे पूछती है भाई आपके जो सैक है, आपके जो बोरा है उसमें क्या है। तो वो हंसी मजाक में ऐसी बोलता है कि इसके अंदर तो एक हाथी है। फिर वो उससे पूछता है भाई तुम अपने ससुर के घर कब जा रही हो। नाउ मोस्ट बंगाली मेडन्स आर फेमिलियर विद द टर्म फादर इन लॉज हाउस, बट वी बींग लिटिल न्यू फैंगल्ड
had kept these things from Minnie. She must have been a trifle bewildered at this, but did not show it. She would ask, "Are you going there?" ठीक है, अब वो बताते हैं कि हम बंगालियों में क्या होता है, हम लड़की को बचपन से बताते हैं भाई तुम्हारा ससुराल का घर मतलब तुम्हारी शादी के बाद जो तुम्हारा घर होगा, लेकिन हमने वो कहता है कि हमने मिनी को ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, तो वो इन सब चीज़ों से क्या थी, बहुत अननोन थी, मतलब उसको बहुत फनी चीज़ लगी कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर वो उससे उल्टा क्वेश्चन पूछती है काबुली वाले से कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो। अमंग द मैन ऑफ काबुली वालाज क्लास फादर इन लॉज हाउस मेंट द जेल वेयर वी ऑल आर केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आरसेल्फ। ही वुड से आई विल थ्रेस माई फादर इन लॉ। दे वुड बर्स्ट इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर। मिनीज मदर वुड ऑफन पुट इन अ वर्ड ऑफ कौशन बिवेयर ऑफ दैट मैन। अब काबुली वाले की नज़र में क्या था, ससुराल का मतलब क्या था, उसका मतलब था जेल से। ठीक है, तो ये कहता कि मैं तो क्या करूँगा, मैं तो जेल से भी भाग आऊँगा, वहाँ से भी ससुराल से भी क्या आऊँगा, मैं भाग आऊँगा और पुलिस वाले को मतलब वहाँ का जो जेलर होगा उसको भी मैं पीट के आ जाऊँगा। तो ये सब बातें ना उसकी मिनी की मम्मा को बहुत डराती थी, वो बहुत डरती थी और वो हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि मिनी से इस आदमी को दूर रखो। मिनी एंड काबुलीवाला स्पेंड मच टाइम टुगेदर। वंस इन अ ईयर इन जनवरी रहमान द काबुलीवाला यूज टू गो टू हिज कंट्री एंड ही वुड बी बिजी कलेक्टिंग डब्स फ्रॉम हाउस टू हाउस बट ही वुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड मीट मिनी। ठीक है, अब वो दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन हर साल वो बताते हैं कि जो काबुली वाला था उसका रियल नेम क्या था, रहमान था। तो हर साल जनवरी में वो अपने गांव जाता था, वहाँ लोगों से क्या करता था, वहाँ जो भी उसको कर्ज़ा वसूलना होता था वो कर्ज़ा वसूल के वापस अपने ही टाउन में आ जाता था और मिनी से मिलता था। वन मॉर्निंग देर वॉज एन अप्रोर इन द स्ट्रीट एंड लुकिंग आउट आई सॉ रहमान बींग लेड अवे बाउंड बिटवीन टू पुलिसमैन। ही वॉज लुकिंग टेरिबली अपसेट। अब एक सुबह वो देखता है, जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे गली के बाहर क्या था, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। जब उसने देखा तो उस काबुली वाले को दो पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे और उसके चेहरे पे क्या था, मतलब वो बहुत ही दुखी दिख रहा था। आई इंक्वायर्ड व्हाट हैड हैपन्ड एंड लर्न दैट अ सर्टेन नेबर ओड रहमान सम मनी फॉर अ रामपुरी शॉल बट फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट। इन द इंश्योरिंग क्वारल रहमान हैड स्ट्रक हिम। मिनी शाउटेड, ओ काबुली वाला, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। हिज फेस लिट अप एंड ही सेड, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन। ही वॉज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट ऑन द चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट। ठीक है, अब जब खबर फैलती है, सुनने में आता है, वो पूछता भाई इधर उधर से क्या हुआ, इसको क्यों पुलिस लेके जा रही है, तो बताया जाता है कि उसको कोई जो शॉल थी वो बेच रहा था, उसने उसके क्या किया, पूरे पैसे नहीं दिए, तो उसने क्या किया, उसको चाकू से मार दिया, मतलब चाकू उस पर मारा, वो पता नहीं मरा कि नहीं मरा, लेकिन उस पर मर्डर के चार्ज लग गए थे, इस वजह से उसको क्या हुआ, जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो मिनी उससे पूछती, भाई तुम ससुराल जा रहे हो, तो कहता हाँ मैं कुछ सालों के लिए कहाँ जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ। ईयर्स पास्ड अवे एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड। इट वॉज ऑटम एंड मिनी वॉज टू बी मैरिड दैट नाइट एंड द प्रिपरेशंस वर इन फुल स्विंग्स। अब काफ़ी साल बीत गए, ठीक है, और वो जो काबुली वाला था उसको सब क्या हो गए थे, सब भूल चुके थे कि भाई ऐसा कोई आदमी भी था, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो ऐसे ही हुआ था। अब क्या था, वो दिन आ गया था जब मिनी बड़ी हो गई थी और उसकी क्या हो रही थी, शादी हो रही थी। सिंस डॉन द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग एंड एट ईच बीट माई हार्ट थ्रॉब्ड आई फेल्ट द पेन ऑफ अप्रोचिंग सेपरेशन फ्रॉम मिनी। अब वो उसका फादर बताता है कि जैसे जैसे टाइम आ रहा था उसकी विदाई का, ढोल नगाड़े बज रहे थे, ठीक है, शहनाइयाँ बज रही थी, तो उसके दिल में क्या हो रही थी, एक हलचल हो रही थी, एक धकधकी सी हो रही थी, मतलब उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि अब क्या होगा, उसको अपनी बेटी से विदा होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आप लोग तो जानते हो शादी होती है, तो शादी के बाद बेटी क्या जाती है, अपने ससुराल जाती है, अपने पापा का घर छोड़ करके। तो वो सेपरेशन उसे अंदर अंदर खाए जा रहा था कि अब मुझे अपनी बेटी से अलग होना पड़ेगा। आई वॉज इन द स्टडी वेन समवन एंटर्ड एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हिम बट वेन ही स्माइल्ड आई न्यू हिम अगेन। ही हैड ब्रॉट अ फ्यू आलमंड्स रेजिन्स एंड ग्रेप्स रैप्ड इन अ पेपर। ही हैड बीन रिलीज फ्रॉम जेल द प्रीवियस डे एंड हैड कम टू सी मिनी। आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीट एनी वन बिकॉज ऑल वर बिजी विद द सेरेमनीज। आई वॉज अबाउट टू पे हिम बट ही सेड, यू हैव अ लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई होम।
आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड. ही टुक आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्डेड इट ऑन माई टेबल. इट बोर द इम्प्रिजन ऑफ अ लिटिल इंक स्मर्ड हैंड. This touch of his own little daughter he always carried with him as he came to Calcutta to sell his wares every year. ठीक है, अब जैसे वो अपने स्टडी रूम में होता है ना, वो देखता है एक आदमी उसके पास आके उसको सलूट कहता है, मतलब उसको सलाम कहता है. ठीक है, पहले तो वो उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे वो स्माइल करता है पहचान जाता है कि ये वही काबुली वाला है और वो एक दिन पहले जेल से छूटा है. और जेल से छूटते ही वो किससे मिलने आया है, सबसे पहले मिनी से मिलने आया है. ठीक है, अब वो अपने पास कुछ, उसके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किशमिश बादाम होते हैं और कुछ ग्रेप्स भी होते हैं. तो वो क्या करता है, वो उसके लिए लाया होता है, तो उसके फादर को कहता है कि मैं मिनी से मिल सकता हूँ क्या. तो कहते हैं भाई अभी तो क्या है, घर में सारे के सारे बहुत बिजी हैं, तो अभी तुम किसी से मिल नहीं सकते. तो कहता है ठीक है, आप ही इनको रख लो. और फिर वो कहते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि मैं उसको उसके बदले कुछ पैसे देने वाला था, लेकिन उसने उसको लेने से मना कर दिया कि ये तो भाई मैं एज ए गिफ्ट लाया हूँ, जैसे कि आपकी बेटी है वैसे ही मेरी भी एक बेटी है मेरे घर पे, तो मैं वही सोच के, मुझे उसकी याद आई तो मैं वही सोच के लाया हूँ कि भाई मेरी भी एक बेटी है और ऐसे ही एक बेटी है मिनी, मतलब आपकी बेटी है, उसको भी मैं क्या मानता हूँ, अपनी बेटी जैसे मानता हूँ. तो मैं उसके लिए भी क्या लाया हूँ, कुछ ग्रेप्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स लाया हूँ. आई फेल्ट टीयर्स फिलिंग माई आईज. आई फॉरगॉट द डिफरेंस इन द पोजिशन of the Kabuliwala and myself. All I could think of was that the Kabuliwala too was a father like me. अब उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए. ठीक है, वो उसको एक तरह से एक बार के लिए काबुलीवाले की तरह नहीं देख रहा था, वो एज ए फादर ही देख रहा था उसको कि हाँ भाई ये भी एक बेटी का पिता है और इसके भी क्या है, इसकी भी फीलिंग्स हैं जैसे मेरी फीलिंग्स है अपनी बेटी के लिए. I sent for Minnie. She was clad in red silk with sandal paste on her forehead. Adorned as bride. Kabuliwala had imagined her to be the same little girl who would come running to him. He said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" Minnie understood the meaning of the word father-in-law. She blushed up at the question and turned down her face. ठीक है, अब उसकी बातें उसने सुनी तो उसने क्या किया, पहले तो मिनी को उससे मिलवाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने उसकी बातें सुनी कि हाँ भाई चलो इसकी भी फीलिंग्स है, इसकी भी बेटी है, तो चलो मैं इसको मिनी से एक बार मिलवा देता हूँ. उसके बाद क्या होगा, वो अपने ससुराल चली जाएगी. तो उसने मिनी को बुलाया, मिनी आई. अब काबुली वाले को लगा वो तो उसको क्या छोटी सी बच्ची छोड़ के गया था, तो उसने देखा कि मिनी जो है वो बड़ी हो गई और वो कैसे ड्रेस्ड अप थी एज ए ब्राइड. उसने सुंदर लाल साड़ी पहन रखी थी, उसके माथे पे चंदन का तिलक था, बहुत सुंदर वो ब्राइड की तरह रेडी हुई थी. तो उसको देख के उसने फिर अब फाइनली दोबारा पूछा कि अब तुम अपने ससुर के घर जा रही हो, अपने ससुराल जा रही हो. तो मिनी ने ब्लश करते हुए अपने, मतलब शर्माते हुए, उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया. आफ्टर शी लेफ्ट, रहमान सेट ऑन द फ्लोर. ही सडनली रियलाइज दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन अप. ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर एन्यू. आई गेव हिम सम मनी. विद दिस गो बैक होम टू योर डॉटर, आई एडवाइज. Your joy at seeing your daughter again will bring blessing upon my daughter. Giving that money to the Kabuliwala meant that I had to strip off some of the planned heads of weddings expenditures such as lightning and military's band. Minnie's mother was not too happy about this, but I knew that the blessing of another father would make my daughter's wedding brighter. ठीक है, अब जब वो मिनी से मिला, उसे देखा, उसे ब्लेसिंग दी, तो उसने, उसके फादर ने मिनी को वापस अंदर भेज दिया कि जाओ तुम अंदर जाओ. फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो जो रहमान था, जो काबुली वाला था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ था. फिर उसने, उसे याद आया, मतलब वो जो फादर थे, मिनी के फादर थे, उन्हें याद आया कि भाई जैसे मेरी बेटी की बेटी है वैसे इसकी भी बेटी होगी और इसने अपनी बेटी को भी काफ़ी सालों से नहीं देखा होगा. तो उसको सजेस्ट करते हैं भाई तुम्हें अपने गांव जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, अपनी बेटी से मिलना चाहिए. फिर वो क्या करते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं और उसे दे देते हैं. ठीक है, और उसे कहते हैं कि जाओ तुम भी अपनी बेटी से मिलो और उसके लिए कुछ कपड़े या कुछ चीज़ें उसके लिए भी लेके जाना. ठीक है, अब उसको पैसे देता है तो उसकी मम्मी देख लेती है, मिनी की मम्मी देख लेती है. तो वो उसको कहती है भाई अभी क्या है, शादी के खर्चे हैं तुम्हें, लाइट वाले का, इधर उधर का तुम्हें क्या देना, अभी पैसा बकाया, मतलब बाकी है, अभी तुम्हें इन सब का खर्चा, इन सब का बाकी अमाउंट इन्हें देना है. तो तुम इसके, उनको नाम दे करके तुम किसको दे रहे हो, एक काबुली वाले को दे रहे हो जो कि क्या है, एक मतलब जेल से छूटा हुआ आदमी है, क्योंकि मिनी की मम्मी उसे खास पसंद तो करती नहीं थी. तो वो अपने पति को एक तरह से डांटती है कि भाई तुम
लाइट वालों को ना दे करके, बैंड वालों को ना दे करके तुम काबुली वाले को पैसे दे रहे हो। तो वो फीलिंग जो था एक फादर ही समझ सकता था, एक मदर नहीं समझ सकती थी। एक फीलिंग जो एक फादर की फीलिंग होती है फादर ही समझ सकता था। तो मनी मन कहते हैं कि ये फीलिंग जो है ना, जो बेटी की जो फादर के मन में होती है, जो प्यार उसके मन में होता है अपनी बेटी के लिए, वो एक फादर ही समझ सकता है। तो इसीलिए उसने क्या किया था, उसको पैसे दिए थे कि भाई जैसे मेरी बेटी है और तुम उसको ब्लेस करने के लिए आए, वैसे मैं भी क्या करता हूँ, मेरी भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारी बेटी के लिए कुछ भिजवाऊँ या कुछ दूँ एज ए फादर। ठीक है, तो बच्चों ये थी स्टोरी एक काबुली वाला और एक छोटी सी लड़की मिनी की। तो कैसी लगी ये स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।